नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। अब ब्रह्मोस की मारक क्षमता के घेरे में आएंगे पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया संस्करण पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों के साथ चीन के खास इलाकों तक लक्ष्य भेद पाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख एस क्रिस्टोफर ने बुधवार को बताया कि 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का पहला परीक्षण 10 मार्च को किया जाएगा। बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया शो में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा कि आगामी 2 से 2.5 वर्षों के दौरान ब्रह्मोस की मारक क्षमता को 800 से 850 किलोमीटर तक किया जाएगा। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण इकाई के प्रभाव के विषय में बात करते हुए डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि इसका लाभ यह हुआ है कि अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ा सकता है, जो पहले 290 किलोमीटर पर सीमित हुई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण इकाई के प्रतिबंधों का असर भारत की अग्नि श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता पर पड़ेगा, तो डॉक्टर क्रिस्टोफर ने नकारात्मक जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अग्नि मिसाइलों की मारक क्षमता को 5000 किलोमीटर से अधिक बढ़ाया जाएगा, भले ही इससे कुछ देश नाराज हों। भारत के MTCR में शामिल होने के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि भारत ब्रह्मोस की मारक क्षमता को 300 किलोमीटर से अधिक करेगा। दरअसल गैर MTCR देश 300 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाले क्रूज मिसाइल को विकसित नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टोफर ने कहा कि मारक क्षमता में की गई बढ़ोतरी का परीक्षण सेना के मिसाइल से किया जाएगा। परीक्षण के लिए 10 मार्च की तारीख तय की गई है। उनके अनुसार मारक क्षमता का दायरा बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक करने में 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। कन्नौज में नरेंद्र मोदी ने कहा, मजदूर व किसान की अनदेखी कर सपा ने बदली समाजवाद की परिभाषा। बुआ मान बैठी है हार, विपक्ष में बैठने को तैयार, अखिलेश का मायावती पर कटाक्ष। नोटबंदी और महंगे विमान ईंधन से घटा एयरलाइंसों का मुनाफा। विनस विलियम्स को गुरिल्ला कहने वाले कमेंटेटर ने ESPN पर ठोका केस। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, विद्यालयों में शारीरिक दंड की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।